What's up guys, I hope you're fine. तो आप सब बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस टाइम हो रहा है 9 और आपको बता दो कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बुखार जुकाम सब कुछ है। और लेकिन क्या करें, अब आज 28 तारीख है और आज वो काउंसलिंग वगैरह होनी है, तो काउंसलिंग वगैरह के चक्कर में इतने जल्दी उठाया हूँ, वरना कोई प्लान ही था इतना उठने का। तो अभी तो जस्ट ओपन कर रहे हैं अभी अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट ये ओट्स हैं एंड इसके अंदर अपने फ्रूट्स डाले हैं और बस इसे खाता हूँ और फिर तैयार तो रोता हूँ और फिर मिलते हैं बाद में। एंड आपको बता दूँ कि पापा अजय हो गए होते घूमने, तो आ चुके हैं वो एंड पापा कहते ना शिमला वगैरह, तो दो पेटी सेब लाए हैं, इसमें तो लाल वाले हैं एंड इसमें ग्रीन वाले हैं। और उनके पापा कहते हैं कि इतने ना बहुत ज़्यादा रसीले होते हैं, तो अपना कोटा पूरा हो गया 15-20 दिन का, दबा के खाएंगे सेब भी। एंड आपको मतलब बहुत ज़्यादा तबियत ख़राब है और कॉलेज जाना अभी, मतलब पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस अब बाहर दोबारा लिफ्ट का सामान आया, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जस्ट अभी कॉलेज से आया था और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी कॉलेज में और बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए थे, तो काउंसलिंग वगैरह तो दे आया, अब लिस्ट वगैरह लगेगी तो देखेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि मम्मी पापा सुबह यहाँ से चले गए थे और अब मुझे जाना है, मैं और मेरी बहन अब निकलेंगे हाँसी के लिए। तो बस अब जस्ट अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर रहा था, अभी कुछ बहुत ज़्यादा थका हुआ था एंड बहुत ज़्यादा। आज मैं सुबह 9 बजे के करीब गया था सुबह, और मैं अभी 5 बजे आया हूँ, 5 बज चुकी हैं। खाना खाया था, मैं लाया था छोले भटूरे, बिकॉज बहुत भूख लग रही थी, तो पूरा थका हूँ, तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा हूँ और अब जाना है हाँसी। तो बस अब थोड़ी देर में तैयार तैयार होता हूँ और फिर निकलते हैं। मैं अभी आया था जिस बार से, कोई काम था तो वो काम अभी करके आया हूँ और बस अभी निकल रहा हूँ। बता दूँ कि अभी बहन आई थी तो स्प्रिंग रोल मोमोज ले आई और मेरा अब पेट पूरा भरा हुआ, पूरा मतलब ऐसे लग रहा है कि फट जाऊँगा और पूरा थक रहा हूँ, तो नींद आ रही है, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा। तो बस अभी कपड़े कुपड़े डाल रहा हूँ और फिर बस निकलेंगे।